ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਕੂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਬਣਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾ ਪੱਥਰੇ ਆ ਗੁਰਦਿਆਂ ਚ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ 25000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਭਾਈ 200-300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ किन्ना खर्चा कहते हैं डॉक्टर 25000 का खर्चा दस्या भाई डॉक्टर 25000 चल कोई नहीं मालक ने आप ही कर देना सब कुछ बाबा ही करन कराने वाला आ ये काम सेगा थोड़ा यार जाओ ना वीरे जाओ ना यार मैं सोचा जूस पी लिए पहला गर्मी तो हैगी चलो पी लेना पी ले मौसमी का पीने मौसमी का हां जी वीरे दो ग्लास बनायो जूस बड़ी ला दियो वीरे गर्मी बहुत आ बढ़िया जे बना दी मेरा वीर गर्मी बहुत होगी ना यार मुंडा जूस बढ़िया बनाता मैं सुने आ लो आज पी के देख लेने हैं सौ रुपया भी 100 रुपया ना मेरा भरा गर्मी बहुत हो गई है ना भाई हाँ। ओ यार पाजी शुगर दफ्तर आए हैं साहब मिलया ओ यार मेरा फोन पता नहीं पड़ा नहीं नहीं मेरे को तो नहीं हैगा पाजी हाँ निकू की बनया होया कोई हल नहीं भाई है तारी हाँ फोन किधर है हाँ किधर फोन है जुगाड़ बनाता भाई इनू बेच के तेरी माता दा इलाज कराने इलाज तो मैं कराऊंगा अपनी मां दा पर मैं अपने पैसे दा कराऊंगा कोई लैण आऊगा तां मोड़ दे तेला मैं तां तैनू सही सलाह दित्ती आ बेच के बाबा नानक आपे सब भली कर दूंगा एहो जा काम नहीं अपने कम का चल मर्जी है तेरी यार गल तो भाजी की भी सही है पर पता नहीं क्यों ये काम करने मेरा जमीर इजाजत ही नहीं दे रहा की करा यार मेरे फोन से बेल मार पड़ी हेलो हाँ जी हाँ जी भाजी हेलो भाई कितों बोल रहा तू यार भैया मैं जूस वाली रेहड़ी तो बोल रहा ओ यार साडा ना फोन रह गया सीगा रख ला चल असीं आने तेरे को फोन लैन ठीक है हाँ जी आ जाओ भाजी मेरे को ले जाओ ठीक है लिया वीरे फोन हाँ जी भैया यार अच्छा फोन मेनू पता सी हो रही है
मैं तो बस तेरी ईमानदारी चेक करनी सी भी तू सरदार भरा है कितना क ईमानदार आ मैनू पता नाले तेरी माता का ऑपरेशन होना सवेरे जो तू बाई नाल गल करदा वैसे ना उदो मैं पिछे खड़ा सी ठीक है ते तू बहुत ईमानदार आ मैनू तेरे ते माण आ आ फड़ मेरे वालों एक सेवा आ छोटी जी तेरी माता लई नहीं नहीं ये साडे वालों सेवा आ तू बहुत ईमानदार आ अपनी माता का ऑपरेशन करा कोई गल नहीं रख लैना तेरे ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਆ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਏਗਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਚੱਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲੋ ਵੀਰੇ ਸਬਰ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ।